नमस्कार दोस्तों मैं हूं तो आप देख रहे हैं डॉग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी फाइव जी स्मार्टफोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में हाल फिलहाल में ये वाला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है एंड विच इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट जहां तक कैमरा स्पेसिफिकेशन का सवाल है यहां पर 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर दिया गया विद एपचर वन पॉइंट एट 123 डिग्री का एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है विद एपर्चर एफ 2.2 एंड फाइनली एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया विद एपर्चर एफ 2.4 पॉइंट जहां तक सेल्फी कैमरा का सवाल एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया विद एपर्चर एफ टू टू जहाँ तक यूजर इंटरफेस का सवाल है हालांकि इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं मैंने डिटेल में यूजर इंटरफेस के बारे में बताया हालांकि ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पर सभी जो बेसिक मोड्स है वो आपको मिल जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्ट्रेट मोड वीडियो मोड उसके साथ साथ कुछ जो बेसिक मोड्स है दो आर अवेलेबल मोड के अंदर मिल जाते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ प्रो नाइट फूड पैनोरामा सुपर स्लो मोशन स्लो मोशन एंड हाइपर लैप्स एंड मैक्रो का भी एक अलग से ऑप्शन आपको दिया गया है वीडियोग्राफी में यहाँ पर अल्ट्रा स्टेडी मोड का ऑप्शन दिया गया है तो अगर आप चाहते हैं तो ये वाला मोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में बात करके सो so, ये है एकदम सुपर स्टेडी मोड सुपर स्टेडी मोड में अगर आप वीडियो लेते हैं और मैं काफ़ी चलते चलते वीडियो ले रहा हूँ एंड चलते चलते वीडियो लेंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा काफ़ी स्टेडी है एंड हालाँकि क्लैरिटी में मैं बोलूँगा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है प्राइमरी कैमरा के वीडियो से सुपर स्टेडी मोड क्योंकि या अल्ट्रा वाइड एंगल इस्तेमाल होता है तो वीडियो लेकिन बहुत स्टेबल आता है अभी जो सुपर स्टेडी मोड है उसको मैंने बंद कर दिया है एंड अभी एकदम नॉर्मल मोड में मैं ये वीडियो ले रहा हूँ कलर काफ़ी बढ़िया निकल के आता है चारों तरफ ग्रीनरी है आ, जैसे भी आपको पता है सैमसंग का जो कलर होता है वो कलर प्रोफाइल थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड होता है बट मुझे लगता है सोशल मीडिया के लिए ये काफ़ी बढ़िया लगता है एंड अगर अल्ट्रा वाइड एंगल में स्विच करता हूँ तो ये अभी आ गया है अल्ट्रा वाइड एंगल अभी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है क्लोज टू द गोल्डन आर एंड ये है कोलकाता गेट एंड उसके पास ये पार्क बना गया बहुत बढ़िया लग रहा है एंड अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट को जिस प्रकार मैं बोलूँगा नॉर्मल शॉट से अल्ट्रा वाइड एंगल स्पेशली जैसे ये काफ़ी बढ़िया सीनारी है तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स बहुत बढ़िया लगता है मैंने बाइक चलाते चलाते भी कुछ कुछ वीडियोस लिया है एंड जहाँ तक सुपर स्टेडी मोड का सवाल है अगर आप मोटो व्लॉगिंग काइंड ऑफ वीडियो उठाना चाहते हैं तब मैं बोलूँगा सुपर स्टेडी मोड काफ़ी अच्छा हैंडी साबित होता है एंड वीडियोज़ भी काफ़ी अच्छा निकल के आते हैं एंड शेकीनेस भी आपको एकदम नज़र में नहीं आता खाली यही नहीं अगर आप थोड़ा बहुत रील्स उठाना चाहते हैं तो ये वाला मोड इस्तेमाल करके आप काफ़ी अच्छे अच्छे रील्स भी उठा सकते हैं मैंने जितना देखा है रील्स भी काफ़ी अच्छा आप कैप्चर कर पाएंगे आजकल रील्स का काफ़ी अच्छा ज़माना चल रहा है तो so, ये है सेल्फी कैमरा वीडियो सैम्पल यहाँ पर आप फुल एच डी थर्टी ए में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अभी मैं चलते चलते वीडियो ले रहा हूँ कुछ इस प्रकार का आ रहा है एंड जो स्टेबलाइजेशन है हैंड स्टेबलाइजेशन कुछ इस प्रकार का ही मिलेगा बट यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन एक हल्का फुल्का ऑप्शन है एंड फॉर द टाइमिंग अगर लाइव uh, व्यू देखा जाए विच लुक्स पिट गुड तो ओवरऑल अगर आप सेल्फी कैमरा से वीडियो लेते हैं कुछ इस प्रकार का वीडियो आएगा इसके अलावा भी आप चाहे तो टाइमलेस वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं जिसको हाइपर लेप बोला जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रिकॉर्ड सुपर स्लो मोशन वीडियो विच इज़ बेसिकली ए 960 सिक्सटी ए वीडियो और मैंने देखा है इस बजट में सुपर स्लो मोशन मतलब 960 सिक्सटी ए वीडियो ऐसे बहुत ही कम डिवाइस है जहाँ पर दिया जाता है लेकिन यहाँ पर दिया गया एंड विच वॉक्स पीडिफाइन मैंने कुछ कुछ शॉर्ट उठाए काफी अच्छा आया है एंड आप चाहे तो नॉर्मल स्लो मोशन शॉर्ट्स भी उठा सकते हैं

पंची कलर्स यहाँ पर भी आपको काफ़ी पंची कलर के साथ साथ फ़ोटो मिलेगा और फ़ोटो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है स्पेशली अगर आप सैमसंग फ़ोटोज़ को पगड़ते हैं सोशल मीडिया के लिए सैमसंग फ़ोटोज़ काफ़ी बढ़िया होता है इस बार मैंने देखा इस फ़ोन का फोकसिंग काफ़ी अच्छा है तो अगर आप क्लोज़र ऑब्जेक्ट में फोकस के साथ फ़ोटो उठाना चाहते हैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे, अच्छे फ़ोटोज़ मिलेगा जहाँ तक अल्ट्रा वाइड एंगल का सवाल है जी हाँ इट्स एट मेगा पिक्सल कैमरा तो रेजोल्यूशन में काफ़ी कम है उसकी वजह से पिक्चर हल्का सा आपको कम शार्पनेस के साथ मिलेगा ये जाहिर सी बात है प्राइमरी सेंसर है 50 मेगा पिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल 8 मेगा पिक्सल तो फोटो में आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र में अल्ट्रा वाइड एंगल से भी आप बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ उठा सकते हैं स्पेशली अगर आपको ज़्यादा एरिया कैप्चर करना है आप ये वाला मोड इस्तेमाल कर सकते हैं जहां तक मैक्रो फोटोग्राफी का सवाल है टू मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया है मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैक्रो में मैंने जितना फोटो उठाया आई एम नॉट हैप्पी विद द मैक्रो परफॉर्मेंस ठीक ठाक मैं बोलूंगा काम चलाओ जहां तक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का सवाल है जी हाँ यहां पर आपको एक सिनेमेटिक पोर्ट्रेट ऑप्शन मिलता है एंड जहां पर आप कुछ अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट शॉट उठा सकते हैं सैमसंग का पोर्ट्रेट फोटोज का पोर्टफोलियो काफी बढ़िया है इवन मैं भी सैमसंग फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर ए वेरी लॉन्गर टाइम हालांकि यहां पर कोई भी डेडिकेटेड लेंस नहीं है पोर्ट्रेट शॉर्ट uh,

एक्सपेक्ट मत करो बट फॉर द टाइम मैंने अभी तक जितना देखा है आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाएगा जहाँ तक सेल्फी कैमरा फोटोग्राफी का सवाल है मैं बोलूँगा ठीक ठाक परफॉर्मेंस है यहाँ पर आपको एक एट मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया जाता है विद कपल ऑफ डिफरेंट मोड्स लाइक यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड भी दिया जाता है और भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग मोड्स है जो आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया के लिए मैं बोलूँगा ठीक ठाक है लेकिन एट मेगा पिक्सल ऊपर रुपीज़ के फ़ोन पर मैं बोलूँगा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है एटलीस्ट दे कैन गो विथ ट्वेल्व और थर्टीन मेगा कैमरा जहाँ पर मुझे लगता है फोटोस और शार्प और डिटेल आता बट ठीक है जो है यही है मैं बोलूंगा ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा सो so अभी बात करते हैं कंक्लूशन के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस डिवाइस के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में ओवरऑल मैं बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ द ऑप्शन यहां पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है मतलब सैमसंग के जो हाई रेंज डिवाइसेज है वहां पर जो जो ऑप्शन मिलता है उसमें से बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर एड ऑन किया गया विच इज रियली गुड सैमसंग यू आई फोर पॉइंट टू है इसके वजह से लेटेस्ट आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है हालांकि कैमरा में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करता है पॉजिटिव पार्ट अगर देखा जाए नो डाउट फोटोग्राफी यहां पर काफी आपको अच्छा मिलता है फोकसिंग काफी अच्छा है एंड सोशल मीडिया के लिए आप बहुत अच्छे अच्छे फोटोज उठा सकते हैं वीडियोग्राफी सुपर स्टेडी मोड की वजह से काफी अच्छा हो जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिक्स एपीएस का ऑप्शन नहीं है जहां तक सेल्फी कैमरा से है मैं बोलूंगा ठीक ठाक या फिर एवरेज या फिर एवरेज काइंड ऑफ सेल्फी परफॉर्मेंस मिलेगा यहां पर एक ही लूफॉर्ट मैं बताना चाहूंगा एक जो यूजर इंटरफेस कभी कभी काफ़ी करता है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द ओरिएंटेशन उसमें काफी लैग है एंड ये लैग अभी भी है पहले दिन से मैं नोटिस कर रहा हूं एंड सेल्फी कैमरा

next video